नमस्कार। हमारे पास जो पहले पहल पामिस्ट्री पढ़ने आते हैं और ख़ासकर उनमें से जिन्होंने ज्योतिष पढ़ा होता है, तो उनका सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं या नहीं पामिस्ट्री सीखने के, हम पामिस्ट्री अच्छे से सीख भी पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। तो आज मैं वो बात बता रहा हूँ कि आप कुंडली से, एस्ट्रोलॉजी से, होरोस्कोप से कैसे देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति पामिस्ट्री में इजीली एक्सपर्ट हो पाएगा या नहीं। तो ऐसे समझिए, काल पुरुष की कुंडली में तीसरा भाव है दायां हाथ। भाई पामिस्ट्री क्या है, हाथों का तो शास्त्र है ना। और काल पुरुष की कुंडली में ग्यारहवां भाव है बायां हाथ। तो सीधा सा है, तीसरा और ग्यारहवां भाव दायां और बायां हाथ है। तो तीसरे भाव में तीसरी राशि पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में, और तीसरी राशि का स्वामी है बुध। और ग्यारहवें भाव में ग्यारहवीं राशि पड़ती है और ग्यारहवीं राशि का स्वामी है शनि। ज्योतिर्विद्याओं को कभी शनि विद्या भी कहा जाता था, और बुध तो इन सब विद्याओं का कारक है ही। तो बुध और शनि बली होनी चाहिए, तीसरी और ग्यारहवीं राशि बली होनी चाहिए, और तीसरा और ग्यारहवां भाव बलि होना चाहिए। अब आइए उस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं कि वो पामिस्ट्री में एक्सपर्ट हो पाएगा या नहीं, उसकी अपनी कुंडली में तीसरा और ग्यारहवां भाव, उसमें जो राशियां हैं उसके स्वामी ग्रह, ये बलि होने चाहिए। तो ये सब अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे से पामिस्ट्री में बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो सकता है। एक बात समझ लीजिए, हर कोई पामिस्ट्री पढ़ सकता है, मैं बात कर रहा हूँ बहुत जल्दी से पामिस्ट्री में बहुत एक्सपर्ट होने की। और साथ साथ जुपिटर भी देखना है, गुरु, क्योंकि गुरु सुप्रीम विजडम, प्रज्ञा, विवेक, नीर शीर विवेक कहते हैं ना, अच्छे बुरे का ज्ञान, निर्लिप्त होके किसी के बारे में कहना बताना, उस सब का कारक ग्रह है। तो बुध और शनि तो पक्का जरूर बलि होने चाहिए, और उस व्यक्ति की कुंडली में तीसरा ग्यारहवां भाव उनके स्वामी। तो किसी भी, आपको पता ना, किसी भी भाव के दो बारह में शुभ ग्रह बैठे हों वो भाव बलि हो जाता है, किसी भी राशि के दो बारह में शुभ ग्रह हो वो बलि हो जाते हैं। इसी तरह बुध मान लो कि, और शनि मान लो, बुध भद्र महापुरुष योग बना रहा है कुंडली में, शनि शष महापुरुष योग बना रहा है, उनके दो बारह में शुभ ग्रह बैठे हैं, ये राशि के मध्य में हैं, भाव के मध्य में हैं, इनके साथ शुभ बैठे हैं, इनके दो बारह में शुभ बैठे हैं, इनको शुभ ग्रह देखते हों, इस तरह की बातें, तो ये ग्रह बलि हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया योग बन जाता है इस तरह से पामिस्ट्री सीखने का।